Guys, I hope you all are good, and in this lesson I'm going to teach you a strumming, which is very important and it will be used in so much lessons that are coming. And this is the strumming. Strumming is basically the thing that we play from right hand. And here we go. So here we go. Down, down, up, 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 down, down. इन दिस थिंग अगर आप लोग थोड़ा सा लाइक यू नो थोड़ा सा लाइक एग्जैक्टली नहीं बजा पाते एंड कुछ इस तरीके का भी बजा पाते हो तो ट्राई टू ब्रिंग इट लाइक इस तरीके से कि जब डाउन है तो डाउन हो रहा है और अप हो रहा है तो अप हो रहा है. बट अगर इन इन लाइक बजाते बजाते आप एक दो गलत तरीके से हिट कर देते हो तो डोंट वरी अबाउट इट. ट्राई टू लाइक कम बैक ऑन द ट्रैक एंड इट कैन प्ले सो मैनी सॉन्ग. अगर आप लोग ये स्ट्रमिंग सीख लो आप बहुत सारे गाने बजा पाओगे. So let's try Kabira. Okay? Kabira Now guys, there is one thing that I want to tell you. Like, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का वो भी वक्त आए कि like you guys are willing कि मैं chords के साथ भी बजा पाऊँ और chords के बिना भी, तो उसके लिए एक चीज़ मैं आप लोगों को clearly बता देता हूँ. मैंने अपने एक lesson में बताया था कि you guys have to use this finger, this third finger on this white, okay? And this two fingers on this and this third finger again on this blue. सो पॉइंट इज दैट अगर आपको परेशानी हो रही है बजाने में लाइक यू नो कि ये थर्ड की जगह आप लोग ये यूज़ कर रहे हो क्योंकि इसका फ़ायदा है. इससे क्या है कि आप प्रेशर ज़्यादा लगा सकते हो तो ये ईजिली प्ले हो जाएगी, वरना ई प्ले होने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी. तो बात यह है कि अगर आप इस वाली फिंगर को यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड देन ये स्ट्रांग हो जाएगा. लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि जो कॉर्ड्स एक्चुअली होते हैं, जो डिफ़िकल्ट पोजिशन होती हैं, वो इसी तरीके से लाइक उसमें जो है ये वाली फिंगर यूज़ होती है इस एक्चुअल कॉर्ड के लिए. जो ये वाइट वाला जो है कॉर्ड बनाता है उसमें एक्चुअली इस फिंगर की का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा. एंड तो आप उस चीज़ के भी क्लोज आ पाओगे एंड आप कॉर्ड्स भी बजा रहे होंगे. बट ये है कि हाँ, थर्ड फिंगर इतना प्रेशर नहीं लगा सकती शायद, तो वो चीज़ आ जाती है. लेकिन आई वुड से अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे क्योंकि आप इसके लिए तो दे ही रहे हो ना थर्ड फिंगर को प्रैक्टिस, तो लाइक क्यों ना इसको भी दे दो. तो उससे फायदा अल्टीमेटली यही होगा कि लाइक यू गाइज विल बी एबल टू लाइक प्ले विद कॉर्ड्स एज वेल एंड विदाउट कॉर्ड्स एज वेल. दैट इज लाइक वन थिंग दैट आई वांट यू टू डू. एंड इफ यू गाइज फाइंड इट डिफिकल्ट देन यूज दिस फर्स्ट फिंगर और यूज वट एवर लाइक यू आर कंफर्टेबल विद. एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन एंड थैंक यू सो मच. एंड ट्राई टू प्ले दिस स्ट्रमिंग एंड ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग. थैंक यू सो मच. बाय बाय.